गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है भ्रूण या भ्रूण का विकास। आपने आगे की पूरी जो प्रोसेस पढ़ी है वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमने पढ़ा था, एक फूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने कि फ्लावर में कौन कौन से उसके भाग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र में हमने पोलेन जो है, पोलेन का निर्माण कैसे होता है, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था, उसमें माइक्रोस्पोर की संरचना पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, मेगास्पोर की संरचना पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजियम में अंतर हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था परागकण की संरचना या पोलेन की स्ट्रक्चर, और पोलेन जो होते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा था पोलिनेशन की प्रोसेस या परागण की क्रिया, उसके प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ओव्यूल की संरचना पढ़ी थी, ओव्यूल के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, मतलब बीजांड की संरचना, बीजांड के प्रकार। ये भी कॉमन वीडियो ही मैं बना रही हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की है ये वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, मतलब सॉरी पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर पर आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब कि परागकण स्त्री केसर परस्परिक क्रिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया थी कि द्विनिषेचन और त्रिनिषेचन में बता चुकी हूँ आपको। अब हमको जो पढ़ना है वो है भ्रूण, क्योंकि इन सब प्रोसेस के बाद ही भ्रूण का निर्माण होता है। जब तक आगे की प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी कि किसके बाद क्या आना है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो जब नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है या मेल और फीमेल गैमेट्स का संयुग्मन होता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है जाइगोट, ठीक है। यही जाइगोट जो होता है आगे जाकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये भ्रूण कहाँ बंद होता है, भ्रूण कोश के अंदर, मतलब एम्ब्रियो कहाँ बंद होता है, एंडोस्पर्म के अंदर। अब एंडोस्पर्म की संरचना भी हमने पढ़ ली है कि एंडोस्पर्म भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं और हेलोबियल होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। चूँकि हमको सब तरह के नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबका डेवलपमेंट तो एक जैसा ही होता है, तो आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भ्रूण या एम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण किससे होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब उसके बाद क्या बनता है, या नर एवं मादा जो युग्मक होते हैं वो तो दोनों जब जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। यही युग्मनज, यही जाइगोट जब विकसित होता है तो किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। तो भ्रूण के डेवलपमेंट के हम प्रोसेस पढ़ेंगे, या भ्रूण का परिवर्धन उस जाइगोट से कैसे होता है ये हमको पढ़ना है, क्योंकि ये इतनी ईजी प्रोसेस नहीं है। अगर देखें तो सभी का परिवर्धन एक जैसा होता है, पर फिर भी एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में आगे जाकर कुछ अंतर आ जाता है, क्योंकि दोनों में कोटिलेडन की नंबर या बीजपत्रों की नंबर जो होती है वो अलग अलग होती है। अब बीजपत्र क्या होते हैं ये ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी बताऊंगी मैं कि एक बीजपत्र का मतलब ये होता है, जैसे चावल गेहूँ आपने देखा होगा उसमें दाना एक ही होता है, अंदर बीजपत्र एक ही होता है। पर अगर आप चने में अगर देखोगे तो चने में अगर उसको तोड़कर हम देखते हैं तो दो दालें निकलती हैं, जितनी भी दाल वाले वैरायटी के पौधे उनमें दो दालें निकलती हैं। जब आप बीज बोते हो तो क्या होता है, उससे ही अंकुर फूटता है और नया पौधा बनता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में ये अंतर है बीजपत्र का, कुछ पौधे एक बीजपत्री होते हैं, कुछ जो होते हैं द्विबीजपत्री होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में बीज का निर्माण जो होगा अलग अलग होगा। तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण वही होता है जो बीज के अंदर वाला जो सॉफ्ट भाग होता है उसी को ही भ्रूण कहा जाता है, ताकि जब हम उसको बोएं तो वो क्या करे, आगे जाकर नए जीव का निर्माण या नए पौधे का निर्माण कर सके। तो युग्मनज से भ्रूण बनने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, या भ्रूण का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, यहाँ पर जो ये वाली कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं जाइगोट। इस जाइगोट का निर्माण किससे होता है, मेल और फीमेल गैमेट से, है ना। ये दोनों जो होते हैं
होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, नर एवं मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है जिसको हम बोलते हैं जायगोट। ये एक कोशिका होती है क्योंकि दोनों के केंद्र क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। अब क्या होगा, अब इनमें कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका से कोशिका पे जब विभाजन शुरू होता है, ये परिस्थितियां जनरली अगर देखा जाए तो कुछ समय पर ही होती, हर समय ये प्रक्रिया नहीं होती, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है। जब ये जायगोट बन जाता है या युग्मनज जब बन जाता है तो युग्मनज जो होता है ये आगे जाकर क्या करेगा, थोड़े समय तक पड़ा रहेगा। जब इसको अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये फिर क्या होता है, विभाजित होता है। तो अब क्या होगा, ये जायगोट में विभाजन शुरू होता है तो विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती है, एक ऊपर की ओर उपस्थित होती है और नीचे की ओर। ऊपर की ओर जो कोशिका होती है वो थोड़ी हेल्दी होती है, उन कोशिका को बोला जाता है सस्पेंसर सेल या सस्पेंसर कोशिका, और दूसरी जो होती है एम्ब्रियो सेल होती है। क्यों, क्योंकि आगे जाकर भ्रूण का निर्माण यही करेगी और जो सस्पेंसर सेल है वो उसको न्यूट्रिशन दे देती है और कुछ जो होती है वो हट जाती है, मतलब कि एक तरह से उसी में ही मिक्स हो जाना। तो ऊपर वाली जो कोशिका जो अपेक्षाकृत थोड़ी मोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, और नीचे वाली को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। कितनी कोशिकाएं बनी, दो। अब ये विभाजन लगातार चलता रहेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, ऐसे इस तरह से इनमें विभाजन होता है। ये क्या होती है, एक हिस्सा होता है, किसी भी बीच में आप देखो एक हिस्सा होता है जहाँ पर कुछ जुड़ा होता है, तो उस जुड़े हुए हिस्से को बोला जाता है होस्टोरिया। होस्टोरिया मतलब कि जितने भी भ्रूण होते हैं उसमें चूषक अंग होते हैं। क्यों होते हैं चूषक अंग, ताकि वो किसी चीज से पोषण ले सके। आप अगर किसी भी चीज में देखोगे, अगर आप मटर के दाने देखोगे तो मटर के दाने एक जगह जुड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा। चना भी होगा तो क्या होगा, एक जगह जुड़ा होगा। तो उस जुड़ने का कारण क्या होता है, ये होता है कि उसमें चूषक अंग होते हैं जिससे कि वो जुड़ा रहे ताकि वो पोषण लेता रहे। क्योंकि अगर वो जुड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा, तो वहां से क्या लेता रहता है, जल, भोज्य पदार्थ, है ना, वाटर और जो भी चीजें उसको चाहिए वो चीजें वो उससे लेता रहता है। अब क्या होता है, ये कोशिका विभाजित होती है, कितनी कोशिकाएं बनाती है, 3 कोशिकाएं बनाती है। इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, होगा कहां पर, एम्ब्रियो सेल में विभाजन होगा। ये होस्टोरिया हो गए, चूषक अंग हो गए जो इसको जुड़ने में मदद कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये 2 कोशिकाएं फिर से विभाजित हुई और कितनी बना लेती है, 4 कोशिकाएं। ये लंबाई में ही बढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक ये एक लंबाई में बढ़ रहे हैं। 2 से 4 कोशिकाएं 4 से 8 कोशिकाओं में विभाजित होती है। फिर विभाजन हुआ, अभी विभाजन होने के बाद ये एक लंबी चेन जैसी संरचना बनाती है, पर नीचे की जो कोशिकाएं होती है जिसको एम्ब्रियो सेल बोलते हैं वो डिवाइड होकर कितनी सेल बना लेती है, 2, है ना। तो इस सेल को बोलते हैं प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो मतलब कि प्राथमिक भ्रूण। प्रोएम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण, मतलब भ्रूण जो कंप्लीट भ्रूण जो बनता है, कंप्लीट एम्ब्रियो जो बनता है उसके पहले वाला भाग, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोएम्ब्रियो। अब क्या होता है, ये कोशिकाएं फिर से विभाजित होगी तो 6 से 19 कोशिकाओं में लगभग इनका विभाजन, पहली जो कोशिका थी उसमें लगातार चेन जैसा विभाजन होता है। और कितनी कोशिकाएं बनाती है, 6 से 19 सस्पेंसर कोशिका। सस्पेंसर कोशिकाएं कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, ये डिवाइड हुई। और नीचे जो कोशिकाएं होती है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो बोल रहे थे, वो विभाजित होकर कितनी बना लेती है, 4। पहले कितनी थी, 2 थी, फिर वहीं पर उसका विभाजन हुआ, कितनी बना ली उसने, 4 कोशिकाएं बना ली। अब क्या होता है, इनमें विभाजन चलता रहता है और ये क्या करती है, हार्ड शेप बना लेती है। क्योंकि एक ही जगह इकट्ठी होकर ये कोशिकाएं क्या होती है, साइज में मोटी हो जाती है, थोड़ी ठीक हो जाती है। और आपको दिख रहा होगा थोड़ा हार्ड शेप जैसी स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, है ना। तो ये ऐसा दिख रहा, हार्ड शेप जैसा हो जाता है थोड़ा। नीचे की कोशिकाएं मुड़कर एक ही जगह कितनी कोशिकाएं बना लेती है, लगभग 8 कोशिकाएं। और ऊपर के सस्पेंसर सेल ये रही जो उसको जुड़ने में मदद करती है। आपको ये दिख रहा होगा कैसा दिख रहा है, चने जैसा। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको एक बीजपत्री का पढ़ना है। तो इसमें कितने कोटिलेडन होंगे, इसमें 2 कोटिलेडन होंगे, ये दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, ये और ज्यादा पोषण को इकट्ठा करती है और 8 कोशिकाएं थी, 8 से कितनी हो गई, 16 कोशिकाएं हो जाती है, फूलकर एक मोटी संरचना बनाती है। फिर क्या होगा, इसमें फिर से विभाजन इसमें चलता रहता है। अब इसमें क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी वो ग्रुप में बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ कोशिकाएं जो होती है, आपने जब भी देखा होगा कि अगर हम बीज बोते हैं तो बीज में से एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है और एक हिस्सा नीचे की ओर जाता है। जो हिस्सा ऊपर की ओर जाता है उसको
प्रांकुर बोलते हैं। प्रांकुर मतलब कि जो आगे जाकर पौधों में किसका निर्माण करेंगे, उसके तने का निर्माण करेंगे, पत्तियों का निर्माण करेंगे, फूल और फल का निर्माण करेगा। पर नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम मूलांकुर बोलते हैं, है ना, उसको प्लूमूल भी बोला जाता है। तो वो क्या करता है, वो हिस्सा जो होता है नीचे जाकर क्या करेगा, जड़ों का विकास करेगा या रूट्स का डेवलपमेंट करता है। तो इन दोनों में ये चीज का अंतर होता है। अब आपको दिख रहा होगा रूट कैप। रूट कैप मतलब कि वो हिस्सा जिससे कि रूट का फॉर्मेशन होता है या जड़ का विकास होता है। और ये हो गए कॉटिलेडन्स। आप देखो कोशिकाएं अपने आप ही घूम कर क्या कर लेती है, दो कॉटिलेडन्स बना लेती है। ये चने जैसा आपको दिख रहा होगा, जब हम चने को तोड़ते हैं तो दो कॉटिलेडन्स उसमें दिखते हैं। दाल में भी ऐसे जो मूंग की दाल है, अरहर है, उड़द है, इन सब में दो दालें होती है, जब उनको तोड़ते हैं तो दो हिस्से निकलते हैं। तो इस तरह से वो क्या होती है, अंदर की कोशिका अपने आप ही विभाजित होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है, रूट कैप बनता है। रूट कैप का मतलब ये होता है वो हिस्सा जो आगे जाकर किसका विकास करेगा, रूट का या जड़ का विकास करेगा। और कोशिकाएं विभाजित होती है, अंदर की कोशिकाएं अलग होती है, बाहर की अलग होती है, कॉटिलेडन्स अलग बनते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, कॉटिलेडन बनाते हैं। ये होता है प्लूमूल का हिस्सा। प्लूमूल का हिस्सा जो होता है क्या करेगा, प्लूमूल का हिस्सा जो होता है वो आगे जाकर किसका निर्माण करता है, प्रांकुर बोलते हैं उसको। और वो क्या करेगा, आगे जाकर तने का विकास करेगा। और यहाँ पर जो होता है ये प्लूमूल होता है। प्लूमूल क्या करता है, नीचे की ओर जाकर जमीन में और जड़ का विकास करता है। क्योंकि अगर जैसे चना है तो चने को हम क्या करते हैं, सूखी कंडीशन में रखते हैं, पर जब हम उसको बोते हैं तो वो उसमें एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है उसका, है ना, एक कंप्लीट पीरियड होता है, जिसके बाद जब आप पानी वगैरह डालोगे तो पानी डालने के बाद वो क्या होता है, उगने लग जाता है ना। तो उस समय क्या होते हैं, फिर इस तरह से कोशिकाओं का ऑलरेडी उसमें विभाजित रहती है कोशिका, पर उसको जब अपने अकॉर्डिंग कंडीशन मिलती है तो उनमें क्या चालू हो जाता है, विभाजन चालू हो जाता है। और ये क्या होती है, डर्मेटोजन कोशिकाएं होती है। डर्मेटोजन का मतलब ये होता है ऐसी कोशिकाएं जो उनके आसपास का आवरण बनाती है। जैसे चने के ऊपर भी एक परत होती है, दालें तो अंदर होती है पर ऊपर क्या होती है, परत होती है। और ये होती है रूट कैप। रूट कैप मतलब कि जड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है कोना, उसको हम बोलते हैं रूट कैप, है ना। अब इसके बाद वाला भाग ये है, जब यहाँ पर ये कोशिकाएं विभाजित होती है तो इनमें और ज्यादा विभाजन होता है। और ये कैसे हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाती है इस तरह से। अब हम ऊपर से इसको हिस्सा पढ़ते हैं। ये वाला हिस्सा तो डिजनरेट हो जाता है, एक समय के बाद क्या होता है ये टूटकर अलग हो जाता है। जैसे चना अगर वो सूख जाता है तो क्या होता है, उसकी कवर से वो अलग हो जाता है ना। गीला रहेगा तब तक वो ऐसा ही रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, फिर क्या होता है थोड़े टाइम बाद वो खिलकर अलग हो जाता है। तो ये वाला जो भाग होता है उसको रूट कैप कहते हैं, जो आगे जाकर जड़ों का विकास करेगा। उसके बाद रेडिकल वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है इसको हाइपोकोटाइल बोला जाता है, है ना। और ये जो हिस्सा होता है इसको प्लूमूल बोलते हैं, जो कि तने का विकास करता है। और ये होते हैं इसके कॉटिलेडन्स, टू कॉटिलेडन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये पूरी चीजें, ये पूरा डायग्राम पढ़ा है या पूरे जो प्रोसेस पढ़ी है, पूरी जो मेथड पढ़ी है डेवलपमेंट की, वो द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की पढ़ी है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों में क्या अंतर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के विकास की प्रक्रिया ही अलग अलग होती है। एक में दो कॉटिलेडन होते हैं और एक में एक कॉटिलेडन होता है, है ना। और अब हमने चूंकि द्विबीजपत्री की पढ़ ली है, जब हम एक बीजपत्री की प्रक्रिया पढ़ेंगे पूरी, या एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को जब हम पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जब तक हम दोनों नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका अंतर हम नहीं बता सकते हैं। तो जब आप एक बीजपत्री सॉरी द्विबीजपत्री की आपने पढ़ ली है, तो एक बीजपत्री की आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहीं से ये भ्रूण का विकास होता है। तो ये चैप्टर जो है आपका इसके बाद एंड हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इसका, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ होती है, और फिर वो क्या बनाती है, वंश या एक ग्रुप बनाती है। फिर उसमें जो होते हैं उसके सारे हिस्से जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि जड़ का विकास करेंगे और तने का विकास करेंगे। इस तरह से जो होता है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। तो ये टॉपिक आपका एंड हो गया है। इसके बाद मैं आपको एक बीजपत्री भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाऊंगी। थैंक यू।